तो सनसेट भी दिखता है, बहुत अच्छा लग। हे गाइस, मेरा नाम है हरपत राव, आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग पर। तो आज हम लोग एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, जो टाउन एरिया वाले लोग होंगे उन्होंने कभी नहीं देखी होगी। तो हम लोग जाने वाले एक फार्म हाउस जो हमारे टाउन है पोखराया, उससे थोड़ी दूर पर पड़ता है। तो चलेंगे फार्म हाउस और पूरा नज़ारा आपको दिखाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मैं पहली बार जब गया था तो मुझे बहुत पसंद आया था। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको भी उम्मीद करूंगा कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो ज़रूर से लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। जो लोग नए हो तो पक्का चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलते हैं जल्दी से। लगता है यहाँ पर किसी शादी थी और आगे भी शादी होती रहती है यहाँ पर। तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं, अब हम लोग एंटर करते हैं और आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं। इतना नंदास है कि कुछ कहने को नहीं। आप पहली बार देखेंगे ऐसा फार्म हाउस आसपास के टाउन के हिसाब से। वैसे शहरों में तो बहुत अच्छे अच्छे बने रहते हैं। तो आइए हम लोग एंटर करते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने बताया, अभी शादी हुई है फिलहाल। रिसेंटली में यहाँ पर शादी हुई, तो यहाँ पर सोफे और वहाँ पर टेंट लगा है। तो ये फार्म हाउस वैसे फ्री है, कोई फीस नहीं लगती है अंदर आने की और कुछ मतलब घूमने की। तो हम लोग पूरा दिखाते हैं। और यहाँ पर झूले टाइप के लगे हैं। इस पर हम बैठ कर झूल भी सकते हैं। और एक यहाँ पर पूल बना है, आप देख सकते हैं पूल को। और वहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ लगे हैं। यहाँ पर मैं झूल रहा हूँ और वहाँ पर एक ऊपर यॉट बना है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, उससे अच्छा यॉट है वहाँ पर। एक पूल को पूल पर नीचे जाने के लिए वो सीढ़ी बनी है। और यहाँ पर झूला है और यहाँ पर हम लोग बैठ कर डिनर लंच सब कुछ कर सकते हैं। तो ये गाइस लंच टेबल है और बैठ भी सकते हैं हम लोग, गपशप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर पेड़ लगे हैं काफ़ी सारे और ये हाउस है उनका। और यहाँ पर नज़ारे के लिए वहाँ पर एक बालकनी बनी है गाइस, आप देख सकते हैं गाइस बालकनी को। और बालकनी में बैठने के लिए एक चेयर टाइप की बनी है, तो इसको हम लोग मतलब बहुत अच्छा लगता है इसमें बैठते हैं, यहाँ पर बैठते हैं। और गाइस ये बालकनी है, तो यहाँ से देखते हैं, गहरा पूल है काफ़ी, ये गहरा पूल है हमें लग रहा है काफ़ी, क्योंकि जो नॉर्मली कम गहरे होते हैं तो उनकी जो सरफेस होती है वो नज़र आती है, और यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो काफ़ी गहरा पूल है और वहाँ पर शायद थोड़ी दीवार टूट गई है और काफ़ी सारी बालकनीज बनी हैं। तो हम लोग यार्ड हाउस को आपको दिखाते हैं, पहले आप पूरा एरिया देख लीजिए। So good at being an actor, making it last just long enough. Playing a game you always won, you never even taught me the rules. You tried to break me down, put this all on me. Tried to make me out to be crazy, and I played along 'cause I didn't wanna lose you. यार्ड हाउस पर चलेंगे, तो यार्ड हाउस पर आपको नज़ारा दिखाते हैं कैसा लगता है। ये सारा पूरा फार्म हाउस कैसा लगता है, यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है, वो अपना पेंट का सामान ले जा रहे हैं। तो यार्ड हाउस तो गाइस ये सीढ़ी है पूल पर जाने के लिए, यहाँ से हम लोग पूल पर जा सकते हैं। और ये यहाँ से हम लोग मतलब कुछ भी थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं यार। यहाँ से तो आवाज़ गूंज रही है, हमारी आवाज़ आ रही है, टकरा रही है आवाज़, लगता है रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर वॉइस का। हम लोग चलते हैं यार्ड हाउस पर।
गाइस यहाँ पर भी झूले लगे हैं, यहाँ पर भी झूला झूल सकते हैं। और एक टेबल रखी है, वो टेबल पर नाश्ता यहाँ पर रखा जा सकता है। और गाइस जो हमारे कैमरा मैन है उसे डर गया यार, मेरा भाई छोटा भाई डर गया। यहाँ पर झूला और एक ये भी झूला है और यहाँ पर, तो हम लोग ऊपर चलते हैं यार उस पर, तो आपको दिखाते हैं। आइए जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पर एक चेयर भी डली थी बैठने के लिए, यहाँ पर सामने बैठने के लिए चेयर भी डली थी गाइस। तो यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है, पूरा मतलब हाउस है, जो फार्म हाउस है उसका बहुत अच्छा मतलब। और यहाँ से थिएटर भी दिखते हैं और जो सन है हमारा सनसेट हो रहा है तो सनसेट भी दिखता है, बहुत अच्छा लग रहा है यार यहाँ। तो उम्मीद है आपको ऐसा फार्म हाउस पहली बार देखा है आपने, जो टाउन एरिया से जुड़े लोग हैं और शहर वाले तो देखते रहते हैं यार ऐसे बहुत फार्म हाउस आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारा फार्म हाउस अच्छा लगा होगा, मतलब हमारे जो लोकल एरिया का फार्म हाउस है तो आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर यहाँ से पूरा फार्म हाउस आप देख सकते हैं, तो मैं पूरा आपको फार्म हाउस दिखाता हूँ। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को। और कर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।